नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज इस स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड बड़ी खबर के बारे में। आज के दिन अगर हम बात करें निवेशकों की, एचडीएफसी बैंक के खुश होते हुए दिखाई देंगे क्योंकि फाइनली बहुत लंबी गिरावट के बाद आज एक रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली। 2% की तेजी के साथ स्टॉक 1400 के पार जाके क्लोज होने में कामयाब रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत दिनों से यहाँ पे जो कंसर्न निकल के आ रहे थे कि क्या एचडीएफसी बैंक में गिरावट थमेगी नहीं थमेगी, क्योंकि जहां एक तरफ पूरा बाजार परफॉर्म कर रहा है लेकिन एचडीएफसी बैंक में कंसिस्टेंट गिरावट देखने मिल रही थी। अगर इस साल की बात करें, ईयर से शुरुआत जनवरी के महीने से ही तो 20% तक की गिरावट जो है अपने पीक से इस स्टॉक ने दिखा दी थी कहीं ना कहीं, और रिजल्ट के बाद से अगर आप देख रहे हैं तो 16-17% की बड़ी गिरावट जो थी वो देखने को एचडीएफसी बैंक में मिली थी। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो निफ्टी में एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस था। निफ्टी का सबसे बड़ा टॉप लूजर अगर आप बात करेंगे एचडीएफसी बैंक था, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इसका एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ था तो इस कंपनी का वेटेज जो था निफ्टी में सबसे हाईएस्ट लेवल पे था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की गिरावट पिछले 1-1.5 महीने में देखने को मिली है, डेफिनेटली वेटेज भी जो है निफ्टी में इसका गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आप साफ समझ सकते हैं। क्योंकि अगर प्राइस नीचे आ रहा है, मार्केट कैप नीचे आ रही है, तो वेटेज भी ऑलमोस्ट उसका घटता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज यहाँ पे जिस खबर की हम बात करने वाले वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये खबर अगर सही होती है और इसमें अगर कुछ भी चीज पॉजिटिव निकल के आता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक में आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो खबर क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंपनी की जो एनालिस्ट मीटिंग है वो होने वाली 19 फरवरी को, तो आप यहाँ पे थंबनेल में भी देखे होंगे 19 फरवरी की डेट आपको याद रखनी है। 19 फरवरी यानी कि सोमवार के दिन अगर आप देखेंगे एचडीएफसी ग्रुप डे यहाँ पे मनाता हुआ दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ बड़े आपको ऐलान भी देखने को मिल सकते हैं। अब क्या हो सकते हैं, तो जिस तरीके से मीडिया में रिपोर्ट चलती हुई दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं इस मीटिंग के दौरान आपको कंपनी के लोन ग्रोथ के बारे में जो प्रॉब्लम है वो समझ आती हुई दिखाई देगी। एचडीएफसी बैंक क्या यहाँ पे बयान देता है, एनालिस्ट के सामने क्या बताता है। लेकिन अगर यहाँ पे बात जो चलती हुई दिख रही है उसमें इस तरीके की चीजें निकल के आ रही है कि लोन ग्रोथ में अगर जो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक की समस्या है या फिर वो आने वाले दिनों में सभी बैंकों के ऊपर हावी होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर एचडीएफसी बैंक इन सारी चीजों पे बात करता है तो मार्केट उसको कीनली वॉच करेगा, और साथ ही साथ अगर एचडीएफसी बैंक ने ये कहा कि आने वाले दिनों में एसेट क्वालिटी को लेके कोई कंसर्न निकल के आता हुआ उसको दिखाई दे रहा है, जिसके कारण वो ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज कर लेगा लेकिन एसेट क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं अपनी एसेट क्वालिटी को मेंटेन करना चाहता है, जिसके कारण वो भले थोड़े दिन के लिए ग्रोथ ना हो तो चल जाएगा। तो इस कंडीशन में मार्केट इस चीज को पॉजिटिव वे पे लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ये चीज को कभी नहीं मानेगा कि वो एसेट क्वालिटी बर्बाद करे अपनी और ग्रोथ की तरफ ध्यान दे, तो उस कंडीशन में उसके लिए नुकसान हो सकता है। लेकिन इस कंडीशन का नुकसान फिर बाकी बैंकों को होगा, क्योंकि वहां पे आपने देखा कि बहुत शानदार रैली हो चुकी है, और कहीं ना कहीं अगर वहां उन लोगों ने ग्रोथ को यहाँ पे ज्यादा अगर तवज्जो दे दी तो बाद में उनकी एसेट क्वालिटी खराब हो सकती है। तो ये सारी चीजें मार्केट कहीं ना कहीं कीनली वॉच करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ इस सारी चीजें को निकल के आ रही है, लेकिन अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक जो है बहुत लंबे समय से अगर आप देख रहे हैं परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोरोना के बाद से अगर आप देख रहे हैं तो बाकी बैंक जो है वो थोड़े परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के, एचडीएफसी बैंक में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। आज के दिन भी अगर आप देख रहे हैं तो सुबह से ही कहीं ना कहीं इस न्यूज के बाद से आपके पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही क्लोजिंग आई है 1414 पे, 1415 रुपए 50 पैसे का दिन का हाई है। तो कहीं ना कहीं न्यूज के दम पे ही सही, लेकिन यहाँ पे एक रिकवरी देखने जरूर मिली है। 2 करोड़ शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम आज के दिन यहाँ पे फाइनली होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूँ वो है तीन बड़े बैंकों, तीन चार बड़े बैंकों का आप कंपेरिजन देखते हैं तो आपको देखने मिलेगा प्राइस टू बुक वैल्यू जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं 2.5 के नीचे कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक की चलती हुई दिखाई दे रही है, जो कि अगर आप हिस्टोरिकली भी देखते हैं जब पहले के टाइम पे मतलब आज से 6-7 साल पहले की अगर आप एवरेज वैल्यू निकालते हैं देखते हैं तो 4 के ऊपर या आपको प्राइस टू बुक पे चलता हुआ दिखता था। तो कहीं ना कहीं उस वैल्यूएशन से अगर आप देख रहे हैं तो बहुत बड़े डिस्काउंट पे कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक अभी फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक जो इसके पियर हैं, वो कहीं ना कहीं अब थोड़े प्रीमियम पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां की एक्सिस बैंक की बात करूं अगर तो अभी लगभग लगभग 2 से ऊपर के प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि पहले अगर आप देखते थे थोड़ा डिस्काउंट रहता था, 2 के नीचे ही उसका प्राइस टू बुक देखने मिलता था। तो कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक भी थोड़ा प्रीमियम पे है। आईसीआईसी बैंक की भी देखेंगे तो आईसीआईसी बैंक 3 के ऊपर की प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है कहीं ना कहीं अभी,
जो कि पहले उसकी वैल्यूएशन 2.5 के आसपास हुई करती थी, तो वो अब यहाँ पे थोड़ी प्रीमियम कमांड कर रहा है। लेकिन इस कंडीशन में सिर्फ HDFC बैंक है जिसमें आपको थोड़ा प्राइस टू बुक वैल्यू घटता हुआ दिखाई दे रहा है, प्राइस टू बुक यहाँ पे 2.5 तक आता हुआ दिख रहा है, तो डिस्काउंट पे ये स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये स्टॉक में थोड़ी रिकवरी देखने मिलेगी या फिर कोई प्रॉब्लम आती है, और अगर ये कहता है HDFC बैंक एनालिस्ट मीटिंग में इस तरीके की कोई बात आती है कि ये आगे सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी खुद की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं हमने देखा है कि स्लो डाउन इस स्टॉक में देखने मिला। क्योंकि HDFC बैंक की अगर आप बात करोगे पहले भी, तो HDFC बैंक का जो ग्रोथ रेट था साल दर साल 20 से 25% की रेंज में होता था, यानी 20-22% की कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है HDFC बैंक दिखाता था नतीजों में। लेकिन HDFC लिमिटेड की अगर आप देखते थे ग्रोथ तो उतनी नहीं थी जितनी कि HDFC बैंक की होती थी। अब दोनों का मर्जर हो गया तो डेफिनेटली HDFC बैंक अगर तेजी से भागना भी चाहता है तो HDFC लिमिटेड का मर्जर के बाद वो जो है उसकी स्पीड को थोड़ी रिड्यूस करता हुआ दिखाई देता है। तो स्लो डाउन जो है कहने के दोनों के मर्जर के बाद, तो अब अगर यहाँ पे टाइमलाइन पता चलती है कि क्या वो ग्रोथ उसके कारण प्रॉब्लम आ रही है, या जो लोन ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है वो मर्जर के कारण हो रहा है, या उनकी खुद की प्रॉब्लम है, या पूरे के पूरे इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, तो वहां अगर कोई जस्टिफिकेशन मिलता है तो फिर कहने के मार्केट को एक डायरेक्शन मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के लिहाज से देख रहे हैं तो बहुत शानदार लेवल पे है। आज डेली चार्ट पे भी देखेंगे आप तो यहाँ पे आज आपको एक रिकवरी जरूर देखने मिली है। 1380-1370 की रेंज जो थी बहुत अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कल के दिन की भी हमने बात की थी 1360-62 तक का लो जरूर बनाया था इस स्टॉक ने, लेकिन आखिरी आधे पौन घंटे में रिकवरी के साथ स्टॉक की क्लोजिंग जो है 1380 के ऊपर हुई थी। तो 1380 के नीचे इसने अभी तक क्लोजिंग नहीं दी, और फाइनली अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिला है, 2.25% की तेजी है, 1400 के पार जाके क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको थोड़ा शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी सी फ्रेश बाइंग देखने को जरूर मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर क्लियरिफिकेशन आ जाता है किसी प्रकार का कि, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के निवेशक जो है उनके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव जोन पे ये स्टॉक अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक के अगले टारगेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कितना बड़ा मूव यहाँ से अगर पॉजिटिव चीजें देखने को मिलती है कोई भी, तो कहाँ तक जा सकता है, तो 1480 के आसपास तक का जो लेवल है वो पहला नियर टर्म टारगेट होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं इसी लेवल से टकरा के बजट के आसपास इस स्टॉक में करेक्शन देखने मिला 100-125 रुपए का, तो कम से कम एटलीस्ट शुरुआत में एटलीस्ट पहली जो बाउंस है वो आपको 1480 रुपए तक की देखने को मिलनी चाहिए। उसके बाद अगर स्टॉक निकालते हैं तो कहीं ना कहीं चार्ट में दो बड़े गैप भी आपको देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अब वो गैप कब फिल होंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े गैप है। नतीजे के बाद तो जिस तरीके का बड़ा गैप डाउन हुआ था स्टॉक में हमने देखा था, 8-8.5% की गिरावट एक ही दिन में हो गई थी, उसके फिर अगले 2-3 दिनों में स्टॉक में और बड़ी तेज जो गिरावट थी वो देखने को मिली थी। तो डेफिनेटली अगर कोई निवेशक है जो कि लंबे समय के लिए इस स्टॉक में होल्ड कर सकता है, तो इस जोन में यहाँ पे अगर बाइंग करते हो तो आपको एक अच्छा खासा टारगेट ऊपर 1600-1700 की रेंज में देखने को मिल सकता है कुछ महीनों सालों में। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या यहाँ पे प्री इलेक्शन रैली से पहले मार्केट में आपको रिकवरी देखने मिलेगी, और क्या मार्केट 22,000 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्मेंस जो आई है वो HDFC बैंक का उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट्स की अगर आप बात करें तो मार्केट्स में उतना बड़ा करेक्शन नहीं आया, क्योंकि इंडेक्स मैनेजमेंट हो गया, तो बैंकिंग में गिरावट देखने मिली, HDFC बैंक से पैसा निकला बड़ा, तो वो सारा पैसा कहीं और शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा IT सेक्टर में कितनी तेजी देखने मिली, PSU बैंकिंग स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है, तो कहीं ना कहीं पूरा पैसा जो है यहाँ से वहां चर्न हुआ है। तो अब अगर इस स्टॉक में वैल्यूएशन आती है, बाइंग आती है, तो डेफिनेटली फिर वहां से पैसा कहीं ना कहीं इधर आने की कोशिश होगी, और इससे बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी फिर अगर नए हाई पार करने तो फिर आपको HDFC बैंक को चलना जरूरी है, क्योंकि निफ्टी में बैंक निफ्टी में अगर आप देख रहे हैं HDFC बैंक का सबसे बड़ा वेटेज है, और अगर सबसे बड़ा वेटेज वाला स्टॉक ही अंडर परफॉर्म कर रहा है तो फिर इंडेक्स को ज्यादा दिन तक चलना पॉसिबल नहीं होगा। यहां से डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है, कहीं ना कहीं 100-125 रुपए के आप मान चल सकते हैं, 1250-1300 जो है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव जोन हो जाएंगे अगर उस लेवल तक स्टॉक किसी कारण से भी आता है, चाहे वो कोई बुरी न्यूज के दम पे आए चाहे कुछ भी आए, तो यहाँ से डाउन साइड रिस्क उतनी ज्यादा नहीं। लेकिन अपसाइड की अगर क्वांटिटी आप देख रहे हैं तो बहुत जबरदस्त रिटर्न के चांसेस बन सकते हैं। बस ये चीज है कि यहाँ ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे किसी प्रकार का कोई मोमेंटम नहीं देखा जा सकता। ट्रेडिंग वालों के लिए रोज का डेली को देखना, रोज की न्यूज देखना, स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट लगाना, ये सारी चीजें होती है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देख रहे हैं, एक अच्छा स्टॉक पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर स्टॉक आपको मिलेगा नहीं। हालांकि पिछले 1-2-3 सालों में बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने देखा था रिलायंस इंडस्ट्री जैसा स्टॉक भी 5-5-6-6 साल नहीं चला था, लेकिन उसका जिस दिन से वो स्टॉक चलना चालू किया था
किस तरीके के रिटर्न उस स्टॉक में आते हुए दिखाई दिए। तो ऐसा नहीं HDFC बैंक चला नहीं है, अगर आप पिछले हिस्टोरिकल चार्ट उठा के देखेंगे कोरोना से पहले तक के, तो वो सबसे बड़ा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक था। हर 3 साल 4 साल में स्टॉक डबल हो जाता था। तो अभी अगर आप देख रहे हैं पिछले 3 4 सालों में स्टॉक में अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो अगर रियल वैल्यूएशन भी आप ब्रोकरेजेस के भी टारगेट देखते, कोई ब्रोकरेजेस के टारगेट जो है 1800 रुपए के नीचे देखने को नहीं मिलेंगे। सारे ही ब्रोकरेजेस मान के चलते हैं 1800 रुपए, 1900 रुपए, 2000 पार तक के भी टारगेट जो है ब्रोकरेजेस ने दिए हैं। तो वो सारे टारगेट भी एक ना एक दिन जरूर आएंगे, समय देना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपको वो टारगेट्स भी देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।